अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉप इन्फो पीके में खुश आमदीद। कौम माशी बहरान का शिकार है और वज़ीर आज़म कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी। बजट हिंसों का गोरख धंधा झूठ का पलंदा है। आयशा गौस पाशा के दिए गए इदादो शुमार से उनके शोहर भी मुत्तफिक नहीं, वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि बजट हिंसों का गोरख धंधा और झूठ का पलंदा है। आमदन अखराजात और जीडीपी तखमीने से हकूमती माशी माहरीन भी मुत्तफिक नहीं। तफसीलात के मुताबिक वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि बजट आईएमएफ के फ्रेमवर्क के मुताबिक नहीं, बजट हकायक के बरक्स है। वज़ीरे मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा ने के दिए गए दादो शुमार से उनके शोहर भी इत्तेफाक नहीं कर रहे। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि बजट पर बहस चली हुई है, सियासतदानों के अलावा माशी माहरीन भी बजट को मुस्तरद कर चुके हैं। कौम माशी इज़तराब की कैफियत में है। उन्होंने वज़ीर आज़म की कैरम बोर्ड खेलने से मुतल्लक बात करते हुए कहा कि एक तरफ कौम माशी बहरान का शिकार है और डिफ़ॉल्ट का खदशा है, दूसरी जानब निगरान वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, जिससे इनकी तरजीह का पता चलता है। याद रहे कि इससे कबल हकूमत ने बजट से अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। हकूमत ने तो आईएमएफ प्रोग्राम लाना था, हकूमत के 42 दिन बाकी रह गए हैं। जो भी हकूमत आएगी बजट पर नज़रसानी करना होगी। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सवाल उठाते हुए कहा कि बजट में 6.5 अरब रुपये का सरप्लस दिखाया गया है, वो कहाँ से आएगा।